दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग के मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सोमवार को विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक किए और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने आज जिला जेल सहित विभिन्न स्थानों पर भ्रमण भी किया और जिला कारागार में बेहतर व्यवस्था देखकर संतुष्ट दिखे। दो दिवसीय गोरखपुर भ्रमण के पश्चात मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग के मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा, आज मैं गोरखपुर में आया हूं और गोरखपुर में आज मैं सबसे पहले जेल गया था। जेल में जो माओं के साथ बच्चे रहते हैं उनके लिए क्रेच की व्यवस्था, एक पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था, उनके खेलने के लिए झूले लगाने की व्यवस्था का, और दूसरा जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था कराई गई है। उसको मैंने आज मॉनिटर किया कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और मुझे व्यवस्थाएं सुदृढ़ मिली। उसके बाद मैं संप्रेषण गृह भी गया, संप्रेषण गृह में भी जाकर मैंने व्यवस्थाओं को देखा है और जो अव्यवस्था दिखी उसके लिए मैंने निर्देश दिया है संप्रेषण गृह के अध्यक्ष को, क्योंकि आगे अभी दूसरा भी संप्रेक्षण गृह बनने वाला है, क्योंकि क्राउड की समस्या है, वो समस्या काफी दिन से चल रही थी और अति शीघ्र एक संप्रेषण गृह गोरखपुर में नया बनने वाला है जिससे ये समस्या का समाधान होगा। दूसरा कस्तूरबा में और आश्रम पद्धति विद्यालय में मैंने भोजन करने गया था, वहाँ पर बच्चों आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चे खो-खो का भी मैच बच्चों ने किया, बच्चों से बात हुई, और कस्तूरबा में भी बेटियों से बात हुई, और दोनों जगह मैंने कल आश्रम पद्धति में भोजन किया था और आज कस्तूरबा में भोजन की गुणवत्ता देखी। आंगनवाड़ी केंद्र में भी मैं गया, वहाँ पर मैंने जो आंगनवाड़ी की बहनें प्लेइंग स्कूल चलाती हैं उसको भी देखा और बच्चों से बातचीत की, बच्चों में टैलेंट आ रहा है, और वहाँ पर अन्न प्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में भी मैं रहा, और उसके बाद आज मैंने अधिकारियों को की बैठक की है और आज बैठक में मैंने यह निर्देशित किया है कि जिले की जितने भी विद्यालय हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह बढ़ रहे हैं, तो मलेरिया की दवाई और मच्छरों के जो धुआं और दवाई होती है वो पूरे जिले में के विद्यालयों में हॉस्टलों में अतिशीघ्र डलवाया जाएगा। दूसरा फ्लोरिया जो बीमारी है, यहाँ फाइलेरिया बीमारी है, उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि उसकी दवाएं हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें घर घर पहुंचा रही हैं, और मैं जनता से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से कि उन दवाइयों को ग्रहण करें, क्योंकि हमारे गोरखपुर और बस्ती मंडल दो मंडल फाइलेरिया बीमारी को लेकर आते हैं, तो उसकी भी एक समस्या मेरे सामने आई है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ये कर्मचारी दवाइयों को पहुंचा रहे हैं। दूसरा मेरे आज यहाँ पर अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि ये बच्चों का जो काम है, हमारे बाल श्रम के बारे में भी मैंने कड़ाई से पालन होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और गृह जनपद इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, कल मैंने गोरखपुर पीठ के दर्शन किए थे और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं और बच्चों को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं, और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी थी और उस महामारी में अगर बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है, और जिन बच्चों के माँ बाप 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत दे रहे हैं। कन्या सुमंगल के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसको चरितार्थ करने का भी काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कन्या सुमंगल योजना के तहत
जीरो से लेकर 18 साल तक की बेटियों को 6 बार में 15,000 रुपया हम कन्या सुमंगल योजना के तहत दे रहे हैं। और आज देखा जाता है बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, गोरखपुर के बच्चे पढ़ें। और अभी इसके लिए अभी हमने एक अभियान और चलाया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है। अभी ये हमने महानगरों में चलाया है और इसके लिए भी गाइडलाइन दिए कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान बीड़ी सिगरेट गुटखे की दुकान नहीं होनी चाहिए। ई सिगरेट को हमने प्रतिबंधित किया है, हुक्का बार को हमने प्रतिबंधित किया है और हमने प्रहरी क्लब बनाने के लिए निर्देशित किया था। और आज हमने DIS और बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को भी का निर्देशित किया है कि प्रहरी क्लब बनाए जाएं, कक्षा का अध्यापक जो उसका क्लास टीचर है वो अध्यक्ष होगा और 5-6 बच्चे उसके सदस्य होंगे और समय समय पर ये प्रहरी क्लब के बच्चे चर्चा करेंगे, टीचर चर्चा करेगा कहीं कोई हमारा बच्चा कहीं नशे के आगोश में तो नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने ड्रग्स की जो दुकान है H1 मॉडिज की जो दवाइयाँ मिलती थी वहाँ पर बच्चे दवाइयाँ ना खरीदें और बच्चे दवाइयाँ ना खरीदें उसके लिए हमने कैमरे लगाना के लिए निर्देशित किया था। और दूसरा, हमने आबकारी विभाग की जो दुकान है उन पर भी कैमरे लगवाने के लिए कहा था और उसमें 90-95% काम हुआ है और उसमें स्लोगन भी दिया था 21 साल के बच्चे शराब ना खरीदें, ऐसा स्लोगन भी हमने दिया था।